ठीक है, शरीर का पोषण है एक्चुअल में। शरीर का पोषण साथ में क्या है ना, धमनियों के जाल को भी समझाया है कि सिरा तथा धमनी का मूल नाभि होता है, पक्वाशय के मध्य स्थान से प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर में फैली हुई रहती है। पक्वाशय का मध्य स्थान क्या कहलाता है, जो नाभि, उस नाभि को ही पक्वाशय का मध्य स्थान बोला है ना। जो पक्वाशय के ये मध्य, कहाँ पे है? जो फोटो मैंने भेजा उसमें देखो, तो सिरा तथा धमनी का मूल नाभि है, क्योंकि जैसा सुश्रुत बोलेंगे वैसे ही सारंगधर बोलेंगे, ये तुम पहले से जानते हो। फिर पक्वाशय का जो मध्य स्थान है नाभि, तो नाभि को ही उन्होंने पक्वाशय का मध्य, मैंने बताया था ना कि जो लार्ज इंटेस्टाइन एक पिक्चर दिखाया था, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पे बीच में सेंटर में नाभि होगी, तो नाभि से प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर में फैली हुई होती है। अब ये जो सिरा तथा धमनियां होती हैं, यही तो बॉडी में न्यूट्रिशन को इधर उधर कन्वे करती हैं। तो देखो लिखा है, सिरा तथा धमनी वायु के संयोग से सभी धातुओं द्वारा संपूर्ण शरीर का निरंतर पोषण करती है। रस धातु बनती है, उससे बनती है, फिर रक्त धातु से पोषण करती है, फिर मांस धातु से, फिर मेद धातु से, अस्थि धातु, उत्तरोत्तर धातु पोषण करती है ना, तो वो इसी के तरह हुआ। सिरा धमनी और नाभिस्थ है, सिरा और धमनी नाभि से उत्पन्न होती है। कोटेशन याद कर लोगे तब भी नहीं भूलोगे, सिरा धमनी नाभिस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट में आओ तुम, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पेशियां। तो पास से पेशियां याद कराया था, कितनी होती है, 500 होती है। 400 किनके अनुसार थी, काश्यप। मॉडर्न के अनुसार कितनी होती है, 639, बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, पुरुष में पेशियां कितनी होती है, 500, जबकि स्त्रियों में पेशियां कितनी होती है, 520, 520 इसके अनुसार, किसके अनुसार, सुश्रुत। अच्छा रक्त के अनुसार स्त्रियों में कितनी पेशियां होती हैं, सर उन्होंने ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं किया ना। उन्होंने 500 ही बोला। ठीक है, चरक में, पुरुष में, स्त्री में, दोनों में उन्होंने सिर्फ 500 पेशियां गिनाई, ये नहीं बताया कि स्त्री या पुरुष। पर वही चीज जब सुश्रुत में जाते हो तो उन्होंने बोला पुरुष के लिए 500, और जबकि स्त्री के लिए कितनी आ जाएंगी, 520। ठीक है, क्लियर। आप देखो यहाँ पे जो पेशियों का डिवीजन है, तो 466 और 34, ऊपर जो तुमने देखा था ना, क्या देखी थी, 700 थी, तो उनका डिवीजन कितना आता था, 400, 136, 164, यही आता था ना इसका, था सिराओं का। जबकि नीचे जब आते हो पेशिया में, 500 हो जाती है, तो 66 और 34 बचती है, 66 और 34, 66 और 34। तो 66 के लिए एक बार टर्म आया था सठसठी, तो परेषान हो जाते हैं बच्चे, सठसठी क्या है, सठसठी जो हो जाएगा कोष्ठगत के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। गयदास जो है ना, गयदास किसने लिखी, गयदास ने क्या लिखी थी, चरक पर कौन सी थी, चरक चंद्रिका, और सुश्रुत पे, न्याय चंद्रिका। ठीक है, मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे पहले सुश्रुत पे बोलना था, तब तुम बोलते सुश्रुत चंद्रिका, अगली बार पूछूंगा। ठीक है, तो गायदास की कितनी है, 60 और 40। ठीक है, गायदास की कितनी हो गई, 60 और 40, मार्क करो, 66 इसमें कई बार क्वेश्चन आया, सठसठी कोष्ठगत। तो सामग्री 466 34, सामग्री 466 और 34। स्त्रियों में डिवीजन देखते हैं, तो 20 अपन को एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो स्तनों में कितनी हो जाएगी, 5 5, तो कितनी चली जाएगी, 10। अब इसी तरह जो आ जाएंगे अपत्य पथ में कितनी हो जाएंगी, ये मैं शायद तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, जब गायनी में पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें अपत्य पथ में याद कराए थे, अचार याद कराया था, तो अपत्य पथ में कितनी हो जाएंगी, 4, बची कितनी, 6, जो कि कहाँ आ जाएंगी, गर्भाशय में, तो शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 हो जाएंगी, गर्भ छिद्राशय भी 3 हो जाएंगी, इसी के लिए टर्म आता है कि अंतः गर्भाशय में कितनी 6 पेशियां होती हैं, तो 6। समझ गए, ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क कर लो। अपत्य पथ में 2 डिवीजन और होते हैं, बाह्य 2 होती है, आभ्यंतर 2 होती है। हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा है, पुरुष शरीर में वर्णित मेढ में 1, वृषण में 2 ऐसी पेशियां स्त्री शरीर में कम होती हैं, तो इसी के बदले क्या हो जाती हैं, उनमें गर्भाशय में चली जाती हैं, क्योंकि ये अंग स्त्री में शरीर में ना होकर उनके बदले 3 पेशियां फल, बीज और ग्रंथि में होती हैं, ओवरी में और यूट्रस में हो जाएंगी। दो दो टेस्टिस, दो 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 ओवरी इक्वल हो गया, फिर एक मेढ, तो उसके लिए एक यूट्रस इक्वल हो गया, 3 पेशियां, क्लियर, ये चरक में आ जाएंगी। फिर इसके बाद आती है कुछ प्रमुख प्रत्यंगों की पेशियां, प्रत्यंग अपन ने पढ़े हैं जैसे, तो नितंब में कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस 5, 10,
और उधर में कितनी हो जाएंगी, पांच। नाभि में कितनी पेशियां होंगी, एक, इंपॉर्टेंट है। और ललाट में कितनी पेशियां होंगी, देखो ललाट कितने अंगुल का है, इधर देखो चार अंगुल, तो चार अंगुल होती है, यहाँ पे कितनी होंगी, चार। अच्छा सिर कितने अंगुल का है बताओ, सिर कितने अंगुल का है, बोलो सिर कितने अंगुल का है, चार, बारह अंगुल का लगभग है ना, चार अंगुल से बड़ा। अरे तुम लोगों ने सुसुत में पढ़ा है सिर और ग्रीवा की चौड़ाई की। आवाज सही नहीं आई सर, टोटल 20 होता है, टोटल 20 होती है और 12 होते हैं सिर के, 12 क्या ये 12 होती है, 4 4 4 ऐसे 4 अंगुल होते हैं और ऐसे दिखती थी, ऐसे 24 थी कि 20 थी, 20। और सिर का, सिर का परिणाम क्या था, चतुर्थांश देख के बताना, ठीक है, कल का होमवर्क है ये, ठीक है। तो ललाट में चार हो जाएगी, सिर में एक, देखो सिर इतना बड़ा है और इतने में केवल एक पेशी है, और ललाट इतना सा है इसमें चार पेशी है। सारा दिमाग तो यहीं से खर्च करते हो ना तुम लोग, दिमाग पे ज्यादा जोर डालते हो ना, भगवान भी जानते थे दिमाग में ज्यादा जोर डालते, इसलिए क्या है यहाँ पे चार पेशियां दी, सिर में कम रखते हो तो वहां पे एक पेशी, बोझा लेके नहीं घूमते ना तुम लोग, तो इसलिए यहाँ पे एक पेशी की होती है, लेकिन यहाँ तुम्हारे लोड ज्यादा है इसलिए यहाँ पे चार पेशी, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन आता है कि ललाट में पेशियां कितनी है, मार्क करो, ललाट में चार पेशियां है, कई बार क्वेश्चन आया है। अच्छा वैसे नहीं शरीर में पढ़ाऊंगा सुसुप में, पर फिर भी लिख लो, क्वेश्चन आए तो इसलिए लिख लो, गुल्फ और जानू के बीच में कितनी पेशियां होती है, गुल्फ और जानू के बीच में कितनी है, 20। एक और लिखो, अक्षक और अंश के चारों ओर कुंडुक में 6 पेशियां हैं, अक्षक और अंश के चारों ओर कुंडुक में 6 पेशियां, एक क्वेश्चन आए हुए हैं मैं जो लिख पा रहा हूं। और काकलिका में कितनी पेशियां हैं, ये बड़ा क्वेश्चन फेमस था शिमला का, शिमला का बड़ा फेवरेट टॉपिक था ये। सेकंड वाला स्टेटमेंट फिर से बोल दीजिए, अक्षक और अंश के चारों ओर कुंडुक में 6 पेशियां, अक्षक और अंश के चारों ओर कुंडुक में 6 पेशियां, ठीक है। फिर इसके बाद आता है काकलिका, काकलिका बहुत फेमस वर्ड है इनका, बड़ा फेवरेट है, काकलिका में एक पेशी है, ये काकलिका शायद ये युवला होता है ना, युवला के लिए टर्म आता है पर क्लियर नहीं है, तो युवला के लिए हो जाएगा वहां पे एक पेशी, एक क्वेश्चन आया था, रोहिणी ना ना अत्य उष्णा शीतला सिरा किसका संवहन करती है, रोहिणी ना अत्य उष्णा शीतला सिरा, रोहिणी ना अत्य उष्णा रक्तवाह सिरा के लिए, किसके लिए, रक्तवाह सिरा के लिए, रक्त, हाँ सही है, लिख लो टर्म लिख लो, रोहिणी ना उसका कलर के लिए वर्ड आया है, तो जो पूरा कोटेशन आ जाता है, रोहिणी लाल कलर की हो जाएगी है ना, ताम्रा वर्ण की हो जाएगी, और जो ना उष्णा ज्यादा उष्ण नहीं होती ना शीतला होती है, वो सिरा किसका वहन करती है, रक्त का, ये क्वेश्चन मार्क कर लो सर, कोटेशन रिपीट कर दीजिए, रोहिणी ना उष्णा शीतला सिरा, रोहिणी ना उष्णा शीतला सिरा, फिर इसके बाद ना मैं तुम्हें डिविजन पढ़ाऊंगा कल, आज नहीं पढ़ाऊंगा, रोहिणी नाति उष्णा सिरा, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पेज में अस्थि में, अस्थि चरक और काश्यप के अनुसार कितनी होती है, 360। मैंने कल तुम लोगों को एक टर्म लिखाया था, दांत, दंत लूखल
और नख के सहित चरक ने अस्थियां कितनी बताई हैं? 360, लिख लो बगल में। दांत दंत उल्लूखल, तो 32 दांत बताए, 32 दंत उल्लूखल बताए, नख की संख्या नहीं गिनाई, तो इनको मिला के अस्थियां कितनी होती है? 360। और काश्यप तो देखो चरक के फॉलोअर थे, तो वो भी 360 बोलेंगे। सुश्रुत और भेल में है 300। सुभेत्री, सुभेत्री ये वर्ड याद रखना, सुश्रुत और भेल के 300। अष्टांग संग्रह किसको फॉलो करते थे? अष्टांग संग्रह सुश्रुत को, लेकिन कुछ जगह धोखा दे गए। कहाँ कहाँ? तो अच्छा अच्छा और रिचा म्यूट कर लो, तो कुछ आवाज आ रही है एक्स्ट्रा। तो अच्छा वाई क्या कर रहे तुम लोग? तो अच्छा वाई और अस्थि संख्या और भी बहुत सारे आए हैं, नोट करते जाओ। तो अच्छा वाई और अस्थि संख्या, अच्छा आधुनिक की 200-206 होती है तुम्हें मालूम है, ठीक है। शाखाओं में आ जाओ तो यहाँ पे डिवीजन देखते हैं, चरक और काश्यप का डिवीजन देखो 128, 140 और 92, ऐसा ही याद करना, दिमाग मत लगाना। सामग्री 128, 140 और 92, काउंट करो आती है 360। इसके बाद जो है सुश्रुत और भेल का देखो 120, 117, 63। सुश्रुत ना मॉडर्न वालों के करीब पहुंच गए थे, देखो शाखा में 120 बताए ना, मॉडर्न ने 120 बताया, सुश्रुत ने भी 120 बताया, हाथ तो सही डाइसेक्शन किया, मध्य शरीर में 117 बता दिया और सिर ग्रीवा में 63 बता दिया, यही थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो इन्होंने कितनी 106 हड्डियां ज्यादा बताई है ना, ओ सॉरी 100 हड्डियां 94, इसी कारण इतनी हो गई इनकी। तो 117 और 63, फिर इसका चलते हैं बागभट में आओ, 140, 120 और 100, इनका अच्छा नंबर है, कहीं बीच में नहीं है, सब 00 है लास्ट में, वो किसका है? संग्रह का। 140, 120, 100 घटते क्रम में है, देखो 140 फिर 120 और फिर 100। 140 में 20 घटाया तो 120 पे पहुंच गए, 120 से 20 घटा दिया तो 100 पे पहुंच गए। संग्रह का तो याद रह जाएगा, आधुनिक का तो तुम्हें याद रहता ही है, 120 50 36 याद रहता है ना, 120 50 36। श्रोणी गुहा गायनी में तुमने पढ़ा था चवासु 3 4 5 याद है, चवासु 3 4 5 ठीक है। चलो अस्थि भेद कल पढ़ाते हैं।